आओ देखें मैथ्स में मैजिक फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब स्टार्ट होगा ए क्यूब से, खत्म होगा बी क्यूब पर। ओके, ए क्यूब के बाद इसकी पावर ए की कम होती जाएगी, बी की बढ़ती जाएगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। हाईएस्ट पावर 2 1 और 1 2 हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी 3। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ गया 1। इसको थोड़ा पास लिख देते हैं बी क्यूब, ये फॉर्मूला गया। अब ए प्लस बी की पावर अगर 5 की बात करता हूँ तो ए 5 से स्टार्ट होगा और ख़त्म बी 5 पे होगा। ए की पावर घटती जाएगी, ए 4 बी, बी की पावर बढ़ती जाएगी। अब ए की पावर और एक कम कर दीजिए, 4 से एक कम, बी की पावर एक बढ़ जाएगी 2। ए की पावर और एक कम कर दीजिए, 3 से 2, बी की पावर फिर बढ़ती जाएगी 3। ए की पावर और एक कम कर दीजिए, ए 1 हो गया और बी हो गया 4। बीच में देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 आएगा। और ये वैल्यू दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। कैसे फाइंड करेंगे, इसके बाद 5 के बाद 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 2 टू जा 4, तो 5 टू जा 10। इस तरह से आप इजीली पहले को घटाते जाएंगे, दूसरे के पावर बढ़ाते जाएंगे, टोटल वैल्यू जो है मेन वैल्यू के बराबर होगी। इस तरह से हर फॉर्मूले को बना सकते हैं।